खेलना मतलब खेलना ही नहीं, मेरे को मेडल जीतना है इंडिया के लिए, इंडिया का नाम रोशन करना और नेशनल एंथम बजाना है मुझे। यूथ मैन बॉक्सर विश्वनाथ सुरेश क्लिंच्ड गोल्ड एट द एशियन यूथ एंड जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स इन अमान जॉर्डन लास्ट वीक। सर सबसे पहले मेरा ये तीसरा एशियन है, मतलब पहले एशियन मैंने 2019 में खेला था जूनियर एशियन, तो उसमें मेरा पहले गोल्ड आया। मतलब सबसे पहला मतलब मेरे को ब्राइट वही किया, उससे मेरे को पता लगा हाँ विश्वनाथ एक लड़का है करके, उसी टूर्नामेंट में निकला मैं। फिर उसके बाद करते रहा, फिर बीच में कोविड का वो आ गया था तो नहीं छोड़ना पड़ा एक साल। फिर 2021 में मैंने फिर से एशियन खेला, उसमें मेरा कुछ इतना कमी से मेरा सिल्वर मेडल आया, तो मैंने अभी इस साल में उस जो गलती था उसको ठीक किया, फिर आज चैंपियन बना फिर से। Chennai boy Vishwanath produced a clinical performance during his thumping win against Kyrgyzstan's Ergi Shovbekzad by unanimous margin in the 48kg final. This was third medal in the Asian. Vishwanath's father was a former boxer and also won a silver medal in sub junior. Sir, मैं मतलब boxing में interest नहीं था, तो मेरा पापा boxer था पहले, तो उनका जो पप्पा है तो उनको उतना नहीं पता, मतलब पुराने ज़माने में तो कुछ पता नहीं, तो उनका कुछ कारण की वजह से मेरे पप्पा को बॉक्सिंग छोड़ना पड़ा। मेरे पप्पा भी वो थोड़ा अच्छे बॉक्सर हैं, जो सब जूनियर नेशनल सिल्वर मेडलिस्ट हैं, तो उन्होंने मेरे को बॉक्सिंग सिखाया मतलब शुरू में। तो मेरे को अकेडमीज तो है नहीं था, मतलब बहुत सारा अकेडमी में किया हूँ, तो एक कुछ कुछ दिन के लिए किया हूँ मैं, अकेडमी परमानेंट नहीं था मेरा। तो मैं 3 साल से तमिलनाडु से हूँ मैं, तो वहाँ से स्टेट चैंपियन बना, 3 साल कंटिन्यू चैंपियन स्टेट चैंपियन था, नेशनल नहीं खेल पाया क्योंकि उम्र कम था। मैंने बहुत सारे साई से मतलब ट्रायल दिए हैं, बहुत सारे दिए हैं, पर नहीं हो पाए। फिर लास्ट टाइम मैंने लास्ट मतलब कुछ लगता तो इन्होंने जैसे ASI में मैं गया ट्रायल देने, तो उनको मेरे को अच्छा लगा, मेरा गेम पता पसंद आया तो उन्होंने लिया। तो अभी तक मैं यहाँ जो भी हूँ, जहाँ पे जैसे भी हूँ, उनका जैसे हूँ सर, उनको पहले थैंक्स बोलना चाहता हूँ, थैंक यू। From what age did you feel that you have to make your own future in boxing? हाँ सर, सर मैं ऐसे मतलब बहुत सारे ट्रायल दिए हैं, तो मैंने दिल छोड़ दिया था कि इसके बाद बॉक्सिंग ही छोड़ दे, पढ़ाई पे चलेंगे। मतलब पढ़ाई पे उतना है नहीं था, पढ़ने नहीं आता था मतलब उतना, फिर भी मैंने कोशिश करते रहा। पापा ने बोला चल बेटा चल, कोई ना चल चलते रहा, जब तक मिल रहा तब तक चलते रहा, मिलेगा एक दिन। अभी मतलब जहाँ भी हूँ, मेरा एक मेन पॉइंट तो पापा ही है, उनका मोटिवेट अगर नहीं तो मैं अभी यहाँ नहीं हूँ सर। ऑन हिज स्टडीज एंड फैमिली, अभी फिलहाल मैं 11th ज्वाइन किया हूँ सर। ओके सर, लास्ट ईयर मैंने 10th खत्म किया, अभी 11th में। कौन सी अपने स्ट्रीम ले रखी है? ओ नॉर्मल ले रखा सर, हम कौन सा था वो, मतलब ओपन से कर रहा हूँ अभी, स्कूल ज्वाइन नहीं, ओपन से कर रहा हूँ। आपकी मदर क्या करते हैं, फैमिली कौन कौन है आपकी फैमिली में? पापा, मम्मी, मैं और मेरी छोटी बहन है सर। ऑन हिज आइडल, सर पापा तो पहले बॉक्सिंग का आइडल एक दो ही था, एक माइक टायसन, एक मोहम्मद अली। गॉड ऑफ बॉक्सिंग तो मोहम्मद अली है, फिर माइक टायसन बना धीरे धीरे, इन दोनों के चलते। तो मेरा हाइट छोटा था, तो पहले मोटा था, तो माइक टायसन मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर धीरे धीरे करे अब तो बहुत सारे अच्छे अच्छे बॉक्सर हो गए सर, लेकिन गॉड ऑफ बॉक्सिंग तो एक ही है सर, मोहम्मद अली है। तो जैसे आपने बताया कि माइक टायसन और मोहम्मद अली आपके फेवरेट है, तो कभी इनकी वीडियोस देखते हैं आप बीच बीच में मैच से पहले कभी? हाँ सर, मैच के पहले तो बहुत देखता हूँ सर, मतलब देखता तो हूँ, लेकिन अब तो बहुत आइडल और आ गया, क्योंकि ऐसे नहीं कि एक ही बंदा को पकड़ के उसके गेम सीखते रहो, कि अभी तो बहुत बॉक्सर हैं, तो एक एक का एक एक सीख रहा हूँ सर मैं, मतलब इससे एक पंच, इससे इनसे, इनसे एक एक करके एक एक सीख रहा हूँ। ऑन हिज नेक्स्ट टारगेट्स, सर मैं अभी तो अभी फिलहाल मेरा एम तो यूथ जो आने वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप है उसमें मेरा इतना मेरा बेस्ट दूंगा, मतलब इंडिया के लिए कुछ ना कुछ तो करूंगा मैं, इंडिया का नाम रोशन करूंगा इस बार, पक्का रोशन करूंगा ये सर। तो अभी आने वाला जो 2024 ओलंपिक 2028 भी है, तो मेरा पूरा कोशिश रहेगी सर उसमें, कि मेरे को खेलना मतलब खेलना ही नहीं, मेरे को मेडल जीतना है इंडिया के लिए, इंडिया का नाम रोशन करना और नेशनल एंथम बजाना है।